नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। अधिकतर केसेस को आपसी भाईचारे से निपटाने के उद्देश्य से भिवानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भिवानी में सैकड़ों केसेस का निपटारा मौके पर ही किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिला भिवानी में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके तहत 17 बेंच का गठन माननीय सेशन जज साहब द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा अनेकों केसों का निपटारा किया गया। वहीं CJM हिमांशु सिंह ने बताया कि लोक अदालत द्वारा मामलों के किए गए निपटारे की आगे कोई अपील नहीं की जा सकती तथा लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है। वहीं उन्होंने कहा कि वे आमजन से प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोक अदालत के माध्यम से समझौता कराएं। ठीक रहेगा, फोटो कर दी। आज हमने नेशनल लोक अदालत का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कर रखा है एस्टैब्लिशमेंट, और जो ना अभी बेंचेस हमने कॉन्स्टिट्यूट कर रखे हैं। 17 बेंचेस हमने अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में कर रखे हैं। उसमें हमने सारे टाइप के केसेस जो कंपाउंडेबल हैं वो सारे हमने ले रखे हैं। उसमें क्रिमिनल केसेस भी हैं, फैमिली मैटर्स भी हैं, और DV एक्ट केसेस भी हैं, दूसरे सारे जितने भी केसेस आ सकते हैं कंपोजिशन में वो हमने सारे ले रखे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम केसेस उसमें सेटल होंगे। ये जो नेशनल लोक अदालत है ये पूरे देश में आज होल्ड हो रही है, स्टेट में भी हो रही है, और भाई हर जगह आज नेशनल लोक अदालत के बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हो रखे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम नंबर इसमें हम यहाँ से सेटल करवा के दें। के निर्देशानुसार आज संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला भिवानी में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हमने 17 बेंचेस का गठन माननीय सेशन जज साहब ने किया है, और सभी कोर्ट्स जो हैं अपना पूरा प्रयास कर रही हैं कि वो इस लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा केसेस का निपटारा कर सकें। इन केसेस में वैवाहिक मामले, जमीन जायदाद से जुड़े मामले, चेक बाउंस संबंधित मामले, छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस जिनमें कंपाउंडिंग या समझौता हो सकता है, वो सभी मामले, लोन संबंधी मामले, बैंक संबंधी मामले सभी टेकअप किए हुए हैं, और सभी कोर्ट्स पूर्ण प्रयास कर रही हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का आपसी भाईचारे से निपटारा कर सकें। लोक अदालत की एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस यहाँ लोक अदालत में निपटा हुआ केस की कोई अपील, कोई दलील नहीं होती। ये फैसला जो है फाइनल होता है और इसकी कोई अपील नहीं होती। इसकी वजह से पार्टीज़ का आपसी भाईचारा, क्योंकि भाईचारे से समझौते होते हैं तो पार्टीज़ का भाईचारा बना रहता है, आगे कोई अपील नहीं होती, इसलिए कोर्ट का समय बचता है, पार्टीज़ का समय, पैसा सब बचता है। इसलिए मैं आमजन से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो अपने केसेस का लोक अदालत के माध्यम से समझौता कराएं। और हमने भिवानी जिले में 17 बेंचेस का गठन किया है। इसके साथ साथ राजस्व न्यायालय भी हमारी इस लोक अदालत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ तीनों सब डिवीज़न तुषाम, सिवानी, लोहारू में भी हमारी जो तीनों कोर्ट्स हैं वो राष्ट्रीय लोक अदालत में। JJP के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला शनिवार को भिवानी पहुंचे, और यहां पहुंचकर एक निजी रेस्टोरेंट में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। यहां उन्होंने हरियाणा स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन द्वारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए जाने पर उनका धन्यवाद किया, और एसोसिएशन को ऊंचाइयों तक ले जाने का अपना संकल्प भी दोहराया।
शनिवार को भिवानी स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में हरियाणा स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दिग्विजय सिंह चौटाला को एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एसोसिएशन को उनके द्वारा बढ़ाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी, वह खिलाड़ियों को भी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया। दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस व भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले राहुल और प्रियंका जहां गई वहां कांग्रेस हारी, तथा यूपी की तरह अब हरियाणा में भी कांग्रेस का भविष्य खत्म हो जाएगा। वहीं इशारों ही इशारों में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना भी साधा और कहा कि पंजाब के हाल को देखकर नई पार्टी बनाने वालों को बैक गियर लगाना पड़ेगा। वो 10 तारीख के चुनाव के विषय को लेकर के है। लंबे समय से हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन को लेकर के इस बात की कश्मकश थी कि कब चुनाव होंगे। फाइनली अदालत में जब इस मसले का हल हुआ, जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने तारीख तय करी और उसके पश्चात ये इलेक्शन हुआ है। आज मैं पूरी एसोसिएशन के प्रत्येक मेंबर का, सभी वेटरन्स का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े सभी लोगों का इस बात के लिए आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते हरियाणा के लाखों युवाओं के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसे चमकाने के लिए, हैंडबॉल को एक्सेल कराने के लिए, हैंडबॉल को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी पूरी एसोसिएशन ने मेरे कंधों पर रखी है। मुझे प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है, मैं जहां आभारी हूं उस बात के लेकर के, वहीं आज के चुनाव में राममेहर छिकारा जी को वाइस प्रेसिडेंट, श्री संदीप जी को जनरल सेक्रेटरी, श्री सुरेंद्र जी को जॉइंट सेक्रेटरी, श्री सुरेश अहलावत जी को ट्रेजरर, श्री परविंदर सिंह जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर, श्री मोहन सिंह जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर, श्री दिनेश कुमार जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर, श्री विनोद कुमार जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर, श्री सुखबीर सिंह जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर नॉमिनेट किया गया है या इलेक्ट किया गया है। मैं सभी साथियों को, मेरे से अलग जो हैं उनको सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और टीम एज अ होल हम मेहनत करेंगे। हरियाणा स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रत्येक एस्पिरेंट स्पोर्ट्समैन को, जो एस्पायरिंग स्पोर्ट्समैन है, उसको विश्वास दिलाता हूं कि इस एसोसिएशन को चमकाने का काम करेंगे, बेस्ट फैसिलिटीज इलाके में, क्षेत्र में लाने का काम करेंगे, इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स को एसोसिएट करने का जिससे हमारे युवाओं को ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी मिले वो प्रयास करेंगे। जो उम्मीद, जो आस आज हजारों लाखों एस्पिरेंट्स की हमारी तरफ है, उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा चैलेंज, बहुत जल्द 20 तारीख से 24 तारीख तक नेशनल करवाई जा रही है सिरसा के अंदर, और पहली नेशनल भी हरियाणा में हुई थी, ये 50वां साल है, गोल्डन जुबली है, ये नेशनल भी हमें अवसर मिला उस नेशनल को ऐतिहासिक एक मील का पत्थर स्थापित करना और हरियाणा में इस हिसाब के खेल करवाए जाएं कि उससे पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाए, उसके लिए ये चैलेंज जो हमारे कंधे पर है उसको पूरा करेंगे, ना केवल पूरा करेंगे बल्कि पूरे देश में एक बड़ा संदेश देने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस तरह से पड़ोसी राज्यों में भविष्य के गर्भ में क्या छुपाया है हमें नहीं पता, मगर इतना कह सकता हूं कि जो पोल ट्रेंड्स, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से अगर मैं इन रिजल्ट्स को ही एज इट इज मानूं, तो कांग्रेस पार्टी का जहां जहां वोट है या कांग्रेस पार्टी जहां मजबूत है, वहां कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने डायरेक्टली नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी 30-40 सीटों तक जाएगी, ये रिजल्ट्स के बाद सामने आ गया कि वही वोट शेयर शिफ्ट हो गया और अकाली दल का भी बड़ा वोट शेयर शिफ्ट हो गया, जो रिलीजियस वोट शेयर था वो भी शिफ्ट हो गया। उत्तराखंड के अंदर ये चर्चा थी कि हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती से आएगी, मगर जब रिजल्ट आए तो सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी का डायरेक्ट इंपैक्ट कांग्रेस पे पड़ा। गोवा के नतीजे आए, गोवा में भी चर्चा थी कि कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी, मगर आम आदमी पार्टी ने उसका सारा वोट शेयर छीन लिया।
अगर हरियाणा में कोई इम्पैक्ट होगा और किस पर होगा वो आप सब जानते हैं। कुछ लोग जो नई पार्टी बनाने के सपने सजो रहे थे, आपके पड़ोस के लोग हैं, वो आज कुछ लोगों का पंजाब में हाल देख करके बैक गियर लगा चुके हैं। और कांग्रेस का तो क्या हाल है, राहुल गांधी जी जहां पहले जाते थे वहां कांग्रेस हार जाती थी, और जहां अब प्रियंका जी गई वहां तो उससे भी बदतर हालात हो गए। खुले में रखा पेट्रोल आम आदमी के लिए हानिकारक है और यह अत्यधिक ज्वलनशील भी है, यह कहना था मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम का। रोहतक से आई इस टीम ने भवानीखेड़ा स्थित एक पेट्रोल पंप पर रेड की तो वहां पानी की टंकी में भी पेट्रोल रखा हुआ मिला, जिसे लेकर पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रोहतक की टीम द्वारा चांगिया फिलिंग स्टेशन भवानीखेड़ा में पेट्रोल पंप पर बाहर पानी की टंकियों में रखा 2200 लीटर पेट्रोल पर रेड की गई। आपको बता दें कि यह पेट्रोल आम आदमी के लिए हानिकारक है तथा इसमें ज्वलनशील पदार्थ हैं जो खुले में नहीं रखे जा सकते। टीम में राजवीर सिंह मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रोहतक, सुनील कुमार प्रभारी CID, भिवानी मुकेश कुमार FSO, खाद्य आपूर्ति विभाग नवनीत, नापतोल विभाग विनोद, मनमोहन व स्थानीय पुलिस शामिल है तथा टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जोरदार जीत के चलते भिवानी में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रथ यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा का आयोजन आपकी नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी इंदु शर्मा, दलजीत तालू और पवन हिंदुस्तानी और ललित अग्रवाल के नेतृत्व में अनेक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर किया गया। आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब फतह करने के बाद हरियाणा में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी हर क्षेत्र में विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते भिवानी में भी यह यात्रा हरियाणा मध्य जोन अध्यक्ष अश्विनी दुल्हेड़ा व संगठन मंत्री पवन हिंदुस्तानी व नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी इंदु शर्मा की अध्यक्षता में निकाली गई। विजय यात्रा बड़चौक से शुरू होकर भिवानी शहर में महम चौक, हासी गेट, घंटाघर, लोहारू चौक होते हुए बाड़ला के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जोन अध्यक्ष अश्विनी ने कहा कि पंजाब की जीत का श्रेय पार्टी के क्रमट कार्यकर्ताओं व पंजाब की जनता को जाता है। इसी के साथ जिला अध्यक्ष दलजीत तालू ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप ही पंजाब की जनता ने भारी बहुमत देकर पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। वहीं इंदु शर्मा ने कहा कि पंजाब में आपकी जीत से हरियाणा प्रदेश व केंद्र की राजनीति में भारी बदलाव आएगा। साथ ही उन्होंने नगर परिषद चुनाव पर बोलते हुए कहा कि चेयरमैन के पद पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही विजय होंगे। वहीं जोन मीडिया प्रभारी राजा चांगिया ने बताया कि वह विजय यात्रा पूरे हरियाणा में निकाली जा रही है। इस यात्रा के दौरान अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के साथ जोड़कर और अधिक मजबूत करने का काम किया जाएगा। यात्रा निकाली है पंजाब में आम आदमी पार्टी का, जो ये प्रचंड बहुमत आया है इसके लिए हमने एक धन्यवाद यात्रा निकाली, एक विजय यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं में इतना जोश था, सब इतने खुश हैं पंजाब के रिजल्ट को लेके, तो हम भी आज अपनी जीत के प्रति निश्चिंत हो गए हैं। मैडम, किस प्रकार का रुझान लग रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? सर, रुझान बहुत अच्छा है लोगों का, आपने रोड शो देखा है कितने जोश में थे, युवा भी, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, तो रुझान तो बहुत अच्छे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। और मैं कहती हूँ कि नगर परिषद की जो ये सीट है, ये अब निश्चित हो गया है कि ये आम आदमी पार्टी की झोली में ही जाने वाली है। किन मुद्दे? मैं तो मुद्दे जो आम आदमी पार्टी जो कार्य और जो नीतियाँ हैं उन्हीं को लेके आगे बढ़ूंगी। और जो ये भ्रष्टाचार का जो ये नया मुद्दा आया है नगर परिषद में, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से मांग करती हैं कि इसकी अच्छी तरह निष्पक्ष और सख्त इस पर कार्यवाही हो ताकि दोषियों को सज़ा मिले। ये भिवानी के विकास का पैसा था, भिवानी के लोगों का पैसा था जो उन्होंने
गलत तरीके से गबन कर लिया, तो इसको मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगी कि इस पे सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई की। स्थानीय जोगीवाला मंदिर में पिछले एक सप्ताह से चल रही श्री मद भागवत कथा का समापन विशाल भंडारे के साथ हुआ। महंत श्री वेदनाथ महाराज ने बताया कि एक सप्ताह से चल रही इस मद भागवत कथा का वाचन आचार्य सुरेशानंद महाराज द्वारा किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन आए और वहीं अनेक साधु संतों ने भी यहां आकर इस कथा का श्रवण किया। शनिवार को जोगीवाला मंदिर में पिछले एक सप्ताह से चल रही श्रीमद भागवत कथा का समापन किया गया। इसी उपलक्ष्य में आज मंदिर में हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं मंदिर के महंत श्री वेदनाथ जी महाराज ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी जोगीवाला मंदिर के और मठ के महाराज शिव के संस्थापक मीननाथ जी ने 300 साल पहले यहाँ पर स्थापना की थी। उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में साप्ताहिक भागवत शुरू करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि आचार्य सुरेशानंद जी के मुख से भागवत कथा का आयोजन करवाया गया था। इस अवसर पर अनेक साधु संत भी उपस्थित रहे। जो का जो फंक्शन है पूर्ण आहुति के साथ और समापन, विशेष करके हर साल जो हमारे मठ के और ये मंदिर जोगी वाला मंदिर भगवान शिव के जो स्थापक हैं, जिनकी तपस्या से यहाँ, तो उनकी तपस्या से ये मंदिर का जो स्वरूप है, जो मंदिर की जगह है, वो आदि अनायत से चली आई हुए करीब 300 साल करीब पहले बाबा मीनाथ जी ने यहाँ तपस्या करके भगवान शिव की आराधना करके ये मूर्ति की स्थापना कराई थी, तभी से ये चला है। आज उनकी पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में सब साप्ताहिक भागवत का पुराण का ज्ञान यज्ञ के रूप में हमारी विवाणी छोटी काशी के रूप में है। इसमें विद्वान और धर्मात्मा और आध्यात्मिकता के तीनों का समूह का ये एक विवाणी छोटी काशी के रूप में है। उसी के आज विद्वान जो हमारे सुरेशानंद जी पंडित जी थे आचार्य, उनके मुखारविंद से जो व्यास गद्दी पर विराजमान थे, उनके मुखार से भागवत की कथा करें, क्योंकि उन्होंने वो कहते हैं घर का जोगी जोगना पार का सिद्ध कहा, लेकिन उनकी असलियत पहचान ये है कि पूर्ण रूप से वो कथा जो वास्तविकता भागवत की थी, इसमें और किसी चीज़ का जोड़ ना करके उन्होंने बड़े प्रेम से बड़े श्रद्धा से भक्तजनों को और भगवान का जो मिलन कराया, वो भी वास्तव में एक वंदनीय है। उसके साथ साथ ज्ञान यज्ञ जो उन्होंने दिया, वास्तव में जो हमारे भागवत के जो प्राचीनता के हिसाब से शास्त्रों के हिसाब से दिया, तो सभी भक्तजन लगातार रोजाना 2-3 हज़ार की संख्या में रहे। उसके साथ साथ आज उनकी पूर्णावती का स्वरूप था बाबा मीननाथ जी और मेरे गुरु महाराज बाबा बनवारीनाथ जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा था। आज उनका समापन के उपलक्ष्य में यज्ञ का समापन किया गया। उसके साथ साथ पूरे ही देश के
साधु संत विशेष करके सभी संप्रदाय के रहे। मूल रूप से हमारे नाथ संप्रदाय से जो दीक्षित हैं वो अधिकतर ज़्यादा रहे, क्योंकि ये संप्रदाय योगिक संप्रदाय की नाथ संप्रदाय की जगह है। इसलिए पूरे हरियाणा से, राजस्थान और आपके पंजाब और उत्तर प्रदेश जितना भी एरिया था जिन्होंने भी संत थे, उन्होंने आकर के पूर्ण आहुति दे करके मेरे को आशीर्वाद दिया और गुरु लोगों के चरणों में नमन करके पूरे समाज भेजा। स्थानीय हुड्डा सेक्टर 23 में मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्षेत्रवासी एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। गौरतलब है कि यहाँ बिजली पानी के अलावा सड़कों की दुर्दशा भी चल रही है, जिन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने की गुहार इन्होंने प्रशासन से लगाई। गौरतलब है कि शनिवार को जोगीवाला मंदिर के सामने के दुकानदारों द्वारा सीवरेज के पानी को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं जब इस बारे में दुकानदारों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 20 दिन से सीवरेज लाइन टूटी हुई है, जिससे गंदा पानी बाहर निकल रहा है तथा बदबू के कारण यहां से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वह दुकानदारों को सारा दिन यहां रहना पड़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहां की गंदगी की वजह से ग्राहक भी कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे बीमारी फैलने का डर भी बना हुआ है। उनका कहना था कि वे पहले भी प्रशासन को इस बारे में कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है तथा आज वे दोबारा प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसे ठीक करवाया जाए, वे उन्हें इस समस्या से निजात दिलाया जाए। और श्रीराम मार्केट है, चेतना सतन के साथ में है और यहाँ का थोड़ा शिवर है, बैक मार रहा है, कई दिन से लंबा टाइम से चल रहा है, बदबू बहुत ज़्यादा बैक करा हुआ है जिससे हम परेशान हो रहे हैं। मार्केट में शराब है, मच्छर पनने का भय है और बीमारी फैलने का भी है। कृपा करके शिवर को कुछ किया जाए और सुधार किया जाए जिससे शिवर खुल जाए, जिससे कि गंदगी ना फैले और पड़ोस में बैठे हुए मार्केट वाले परेशान रहे। इसकी शिकायत पहले की है? इसके दो बार आ लिए भिवानी भास्कर वाले, दो बार कह चुके आए हैं तो उसी दिन उनको खोल भी दिया गया। प्रशासन के पास कितनी बार गए? प्रशासन के पास हम जाके छक लिए, पहले जाकर थे, अब नहीं गए, अब नहीं, इस बार नहीं गया प्रशासन के पास। इस बार तो एक दो बार कहा तो बस शर्मा जी से कहा, चेतना सतन वाले को, शर्मा जी कुछ गौर करो, समय ज़्यादा आती है, बैठा नहीं जाता, बोला जी आगे से शिविर व्यवस्था बन पड़े। और इससे हम गंदगी से बड़े परेशान हैं, काफ़ी पहले बार भी शिकायत कर ली हमने, गए भी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ, तो इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि दुकान वालों को भी, आड़े जाने वालों को भी इस गंदगी का सामना ना करना पड़े। आजकल कोरोना चला हुआ है, से परेशान गंदगी से परेशान, तो इसका समाधान जल्दी जल्दी किया जाए। स्थानीय जोगीवाला मंदिर के सामने सीवरेज लाइन में गंदे पानी के एकत्रित होने के चलते यहाँ के दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि करीबन 20 दिन से यहाँ सीवरेज लाइन टूटी हुई है, जिसके चलते गंदा बदबूदार पानी एकत्रित होने से उनका जीना दूभर हो गया है और अनेक तरह की बीमारियां फैलने का डर भी उन्हें सता रहा है। सबसे पहली बात, टाइमिंग के ऊपर पानी नहीं आता और लगातार पानी नहीं आता। अभी तो ये लगा लो, अभी पानी में जैसे 2-3 दिन से पानी 2-3 दिन में एक बार आता है और उसके बाद गर्मियों में क्या हाल होने है, और टाइमिंग भी नहीं है। आप एक बार बताओ, मैं कई बार खुद पर्सनल कह चुकी, 10 बजे पानी आता है। जो लेडीज जो जॉब में जाती है, घर से बाहर जाती है, 10 बजे आप बताओ कैसे पानी में चलाएंगी। और बंदर, सफाई की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नील है। सप्ताह में एक बार आती है झाड़ू लगाने वाली, लेकिन वो आप देख सकते हैं किस तरह से लगाते हैं। आज मतलब जब मैं खुद फोन करती हूँ तब जो है वो आती है। और लाइट, स्ट्रीट लाइट तो आप एक बार रात को देखा, दिन में तो यहाँ बेशक लाइटें जलती रहती हैं, लेकिन रात में हमारे सेक्टर में लाइट नहीं जलती कुछ गलियों को छोड़ करके। तो ये बहुत ज़्यादा समस्याएं, जैसे वाकई में महिलाएं सब समस्याओं से जूझती हैं। तो इन समस्याओं को, और जो रात दिन आप खुद देख रहे हैं कि अखबारों में क्या कुछ चल रहा है, उन सबको, सबके ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और जो है हमें जो सुविधाएँ जिसके लिए हमें यहाँ सेक्टर में, तो हमें पूरी सुविधाएँ मुहैया करवाई जाए। एक तो पानी का कोई निश्चित समय नहीं है, कभी 10 बजे आ रहा है, कभी 5 बजे आ रहा है, कभी 3 बजे आ रहा है, मतलब पूरा दिन यही चेक करते रहो कि पानी कब आ रहा है, पानी कब आ रहा है। और एक बंदरों ने इतना परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा ना पिछले आंगन में जा सकते, एक एक घंटा लगे रहते हैं बाहर गेट पे भी, बहुत नुकसान कर रहे हैं हमारा। यही सब है, स्ट्रीट लाइट्स हैं वो नहीं जल रही हैं, शाम को बिल्कुल अंधेरा रहता है सड़कों पर। और बाकी पार्क की व्यवस्थित करवाया जाए, हमारे 23 की ग्रीन बेल्ट को ठीक करवाया जाए, यही हमारे। एक तो यहाँ पे पशुओं की इतनी वो है, पशु कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको, और आदमी, आम आदमी भी नहीं चढ़ सकता,
सबसे ज़्यादा जो फालतू में पशु घूम रहे हैं, कुत्ते इतने हैं, बंदर इतने हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जिस तरीके से हम यहाँ पे रह रहे हैं उसी साथ हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।